ये महिला 8 महीने की गर्भवती है। इसके बावजूद भी इसका पति इसे टॉर्चर करते हुए इसके सीने पर गर्म सिगरेट लगा देता है। इतना ही नहीं, इनके घर में चल रही एक पार्टी में ये अपनी पत्नी को सबके सामने अपमानित भी करता है। और तो और पार्टी खत्म हो जाने के बाद ये अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। ये भूल जाता है कि उसकी पत्नी 8 महीने की गर्भवती है। इसकी पत्नी इसे ऐसा करने से काफी बार रोकती है, जिस कारण गुस्से में ये अपनी पत्नी को धक्का देकर चला जाता है। वहीं सीढ़ियों पर बैठकर इनका बेटा सब कुछ देख रहा होता है। अब अपने बेटे को वहां पाकर ये महिला मुस्कुराते हुए उसे समझाने लगती है कि उनके बीच में सब कुछ ठीक है। अब ऐसे ही कुछ दिन बाद ये आदमी गुस्से में अपनी पत्नी को कमरे में बंद करके बाहर चला जाता है। लेकिन उस दिन इस महिला का पति काफी रात होने के बाद भी घर नहीं आता, जिससे देर रात इस महिला के पेट में तेज दर्द शुरू हो जाता है। अब रूम को खोलने के लिए ये महिला अपने बेटे को एक चाकू लाने को कहती है, जिस चाकू को ये लड़का गेट के नीचे से अपनी माँ को दे देता है। अब गर्भवती महिला किसी तरह उस दरवाजे के लॉक को उस चाकू से खोल देती है। तेज दर्द के बावजूद भी ये महिला जल्दी से अपने बेटे के साथ हॉस्पिटल की ओर जाने लगती है, जहाँ हॉस्पिटल पहुंचकर इसका बेटा दरवाजा खुलवाने के लिए तेजी से अपना हाथ दरवाजे पर मारने लगता है। जल्द ही हॉस्पिटल से एक नर्स बाहर आती है और उस महिला को अपने साथ अंदर ले जाती है। और आखिरकार में इतना सब होने के बाद ये महिला एक प्यारे से बच्चे